इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है कि अभी अभी इंडियन पार्लियामेंट पर एक अटैक कर दिया गया है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट को तत्काल रूप से स्थगित कर दिया गया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही। बताया जा रहा है कि जो पार्लियामेंट में अटैक किया गया है वह दो लड़कों के द्वारा किया गया है। वो दोनों लड़कों ने पार्लियामेंट के अंदर घुस करके आंसू गैस छोड़े हैं। बताया जा रहा है कि जब कोई बंदा पार्लियामेंट के अंदर आंसू गैस ले जा सकता है तो वो बम भी ले जा सकता था या बंदूक भी ले जा सकता था, जिससे पार्लियामेंट के अंदर मौजूद किसी भी मंत्री किसी भी नेता को वह डायरेक्ट शूट कर सकता था। यह पार्लियामेंट की सुरक्षा में एक बड़ी चूक बताई जा रही है, जिसके कारण अब इसकी जाँच गहनता से की जाएगी। आप लोगों को पता होगा कि खालिस्तानी पन्नू ने कहा था कि मैं 13 दिसंबर तक पार्लियामेंट पर अटैक करूंगा। हालांकि उसने कोई बड़ा अटैक तो नहीं किया, लेकिन ये जो अटैक किया गया है यह किसी भी बड़े अटैक से कम नहीं माना जा रहा है, क्योंकि जो अटैकर थे वो अपने पैर के अंदर जूते के अंदर आंसू गैस के केन लेकर के आए हुए थे। आइए देखते हैं पहले वो ताज़ा वीडियो। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। Two men entered the Lok Sabha on Wednesday and opened tear gas canisters. They also jumped into the well shouting. Two men have been caught by the police security personnel. सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है।